हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है मिल्क। ठीक है, मिल्क जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे दैनिक जीवन में, हमारे मुख्य आहार के रूप में। ठीक है, हमारे बैलेंस डाइट में मिल्क का होना काफ़ी अनिवार्य है। तो आज हम लोग इस मिल्क के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, कौन कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं, कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं और कौन से विटामिन्स नहीं पाए जाते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है जो क्या करते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, नवजात शिशु जो होते हैं, उनको मुख्य आहार के रूप में दिया जाता है और वो इतना सारा मिल्क जो होता है पचा लेते हैं, उनमें कौन सा एंजाइम सेक्रेशन होता है और बड़े लोगों में या बूढ़े लोगों में कौन सा एंजाइम का सेक्रेशन नहीं होता है, ये सभी बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है, जाइएगा नहीं छोड़ के। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं मिल्क। सबसे पहले मिल्क जो होता है वो मैमली ग्लैंड से निकलता है। मैमल्स जो होते हैं, जो दूध पिलाने वाले होते हैं, उनके मैमली ग्लैंड से क्या होता है, दूध का सेक्रेशन होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सबसे पहले मिल्क जो होता है वो क्या होता है, एनिमल प्रोडक्ट होता है। एनिमल प्रोडक्ट में कौन कौन होता है, काऊ होता है, गोट होता है, कैमल होता है, ठीक है, बफेलो होता है, ये सभी चीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, एनिमल जो क्या करते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं एनिमल प्रोडक्ट लाइक काउ, गोट, बफेलो, बफेलो और कैमल होता है। ये सभी जो होते हैं क्या होते हैं, दूध देते हैं, एनिमल प्रोडक्ट। मिल्क जो होता है क्या होता है, एनिमल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आजकल तो आर्टिफिशियल तरीके से भी दूध को बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन ये मेनली क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है। और एनिमल प्रोडक्ट में कौन कौन से एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, काउ होते हैं, गोट होते हैं, बफेलो होते हैं, कैमल होते हैं। ठीक है, अब देखिए दूध का कॉन्टेंट क्या होता है, दूध में 75% वाटर होता है। दूध में 75% क्या होता है, वाटर होता है, और 25% जो होता है अदर मटेरियल लाइक फैट होता है। ठीक है, फैट होता है और बाकी सारे मिनरल्स होते हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा अगर दूध में कुछ मिलता है तो वो क्या होता है, विटामिन ए होता है। सबसे ज्यादा दूध में क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। और दूध में एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग लैक्टोबैसिलस के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं वो लैक्टोबैसिलस, इसमें मिल्क में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसको लैक्टोबैसिलस के नाम से जाना जाता है। लैक्टोबैसिलस जो होता है वो कर्ड का मेकिंग करने में सबसे सहायक होता है। दूध बनाने की प्रक्रिया में लैक्टोबैसिलस जो होता है उसका अहम भूमिका होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब देखिए प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, देखिए इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स मिल्क में पाए जाते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दूध में कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन, फैट एंड एंजाइम। कौन कौन से पदार्थ होते हैं दूध में, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, पोटेशियम होते हैं, कैल्शियम होते हैं, आयोडीन होते हैं, एंजाइम होते हैं, फैट होते हैं, ये सभी दूध में पाए जाते हैं। अब देखिए काउ मिल्क जो होता है, काउ मिल्क को अगर आप देखिएगा तो वो हल्का येलो कलर का दिखाई देगा। काउ मिल्क जो होता है हल्का येलो कलर का दिखाई देता है, वो क्यों दिखाई देता है, अब देखिए काउ मिल्क में क्या होता है, कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण वो हल्का पीला कलर का दिखाई देता है। और कैरोटीन प्रोटीन काउ मिल्क में कितना होता है, 80% होता है। क्या होता है, 80% काउ मिल्क में कैरोटीन प्रोटीन कितना होता है, 80%। और 20% क्या होता है, अदर मटेरियल्स लाइक फैट होता है, एंजाइम होता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, ये सभी चीजें होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बफेलो मिल्क के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए बफेलो मिल्क जो होता है काउ मिल्क से ज्यादा व्हाइट होता है। क्या होता है, ज्यादा व्हाइट होता है। इसमें क्या होता है, कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि गाय का दूध जो होता है वो येलो कलर का क्यों दिखाई देता है, तो आप क्या बताएंगे कि काउ का जो मिल्क होता है वो येलो कलर का इसलिए दिखाई देता है ड्यू टू कैरोटीन प्रोटीन। वो कैरोटीन प्रोटीन के कारण काउ मिल्क जो होता है हल्का येलो कलर का दिखाई देता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बफेलो मिल्क जो होता है वो व्हाइट कलर का क्यों दिखाई देता है, फुल्ली व्हाइट दिखाई देता है, वो कैसीन प्रोटीन के कारण क्या होता है, व्हाइट कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज पाया जाता है। मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है और एंजाइम पाया जाता है।
जिसकी वजह से ये क्या होता है, काफी आसानी से पच जाता है, पेट खराब नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है, अब कोई पूछे आपसे कि आप बताइए कि मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, मिल्क में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, मिल्क में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, पिछले साल जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ था कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगर विटामिन सी दूध में पाया जाएगा तो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा दूध क्या होता है, खराब हो जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं तो दूध में थोड़ा सा नींबू क्या कीजिएगा, आप डाल दीजिएगा। नींबू डालने के जस्ट पश्चात क्या होता है, दूध फट जाता है, थक्का थक्का बन जाता है। इसका कारण ये हुआ कि दूध में जो होता है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कैमल मिल्क जो होता है, यहाँ पे कैमल मिल्क जो होता है, ऊटनी का जो दूध होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछते कि वो किसका दूध है, मतलब कौन से जानवर का दूध होता है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, तो आप बताएंगे कैमल मिल्क। कैमल मिल्क जो होता है, ऊटनी का जो दूध होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दें आपको कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप जरूर कमेंट करके बताएंगे और लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you.